काम कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह के बज गए हैं 9 और मेरी गुड मॉर्निंग हो गई है 4। मूसा भी उठ गया है और मैं भी उठ गई हूँ। अब मैं सबसे पहले उठते साथ ही मैं ना डालूंगी विंडो को पानी और बाजरा। ये बारिश की वजह से काफ़ी गीली हो गई है, पहले हम इसको ड्राई करेंगे और फिर इसमें बाजरा डालेंगे। अच्छे से हम इसको पहले ड्राई करेंगे, अब इसमें डालेंगे बाजरा। ये सबका ही जारिया है, इसलिए सबको जानवरों का परिंदों का ख्याल रखना चाहिए, उनको खाना डालना चाहिए, क्योंकि वो बेजुबान है, वो बोल तो सकते नहीं है, इसीलिए हमें इनका भी ख्याल रखना चाहिए। हेलो मूसा, कैसे हो आप? ठीक हो मूसा? तो आप देख सकते हैं मूसा उठ गया, फ्रेश हो गया नहा के। अब ये देखिए, ये मेरा मूसा का नाश्ता। मूसा नो नहीं करो मूसा, मैंने बनाया मूली वाला पराठा अपने लिए और मूसा के लिए सादा पराठा, और ये है मेरी चाय। चलो मूसा छोड़ो बेटा, चलो नाश्ता करते हैं। किस किस को मूली वाला पराठा पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मूली वाले पराठे की रेसिपी चाहिए तो हमें बताइएगा, हम आपसे शेयर ज़रूर करेंगे। नाश्ता कर लिया था और मैं नीचे आ गई हूँ दोपहर के लिए लंच बनाने के लिए। तो मैं आपको बताऊँगी कि आज हम लंच में क्या बनाने हैं। लंच में बनाने गोभी, आलू गोभी बना रहे, ये आलू और ये गोभी, और ये हमने साथ रखे हैं पुणे, और पुणे तो निकले रखे हैं। किचन की सफाई कर ली है सारी अच्छे तरीके से, और अब हम करेंगे कुकिंग। अब मैं आपको वहाँ बिजली लगती हूँ। अभी आप क्या कर रही हूँ? क्या हाल है? ठीक हो? मैं गोभी बनाने लगी हूँ, प्याज काट रही हूँ। अब मैं गोभी बनाने लगी हूँ, मैं इसमें डाल रही हूँ एक प्याज। हमने हमारी गोभी थी 1.5 किलो, 1.5 किलो में बस एक प्याज छोटा, इतना छोटा साइज का प्याज दिया हमने। इसमें ज़्यादा प्याज नहीं हम डालेंगे क्योंकि मीठी गोभी बन जाएगी इसमें। हम बहुत ही कम गोश्त में चिकन में अच्छा कुछ लोग ना वैसे प्याज ज़्यादा डाल के हड्डियों में, फिर उनको होता है कि हड्डी मीठी रह गई है, इसलिए कम प्याज यूज़ करना चाहिए सालन में। और कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें प्याज ज़्यादा डालना पड़ता है, जैसे कि बिरयानी में डालना पड़ता है प्याज, जब लाओ हो गया बिरयानी हो गई, चावलों में प्याज ज्यादा चाहिए और सालन में प्याज कम चाहिए। चिकन की कढ़ाई बनानी है तो उसमें हम प्याज कम डालेंगे और टमाटर ज्यादा डालेंगे उसमें, क्योंकि टमाटर की ग्रेवी है चिकन। हम आपको रेसिपी बताते रहे करेंगे, जैसे जैसे हम रोज रोज कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे, हम आपको लाजमी बताएंगे कि कौन सी चीज़ कैसे बनती है। लसन ज्यादा खाना चाहिए, लसन के साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और गोभी में अदरक भी ज्यादा डालना चाहिए। पापा पति थोड़ा बहुत मोटा मोटा दिया है बनाने से, चलो अदरक ज्यादा डालेंगे। और ये मैंने मूसा के ना फीडर बॉयल करके ना रखी है गर्म पानी में, गर्म पानी बॉयल करके ना मैंने इसमें ये फीडर रख दिया, ताकि इसकी लसिंग जो है ना वो मर जाए। बच्चों की रोज़ फीडर होनी चाहिए, खासकर बच्चों का लाजमी ध्यान रखना चाहिए हर चीज़ को लेके। तो मैं तो बहुत कॉन्शियस हूँ हर चीज़ को लेकर। वो ये पंजे पर आगे लेके आइए, आपको तो बहुत पसंद है पंजे ना, मुझे पर मुझे पंजे नहीं पसंद है, मैं नहीं खाती पंजे। दरअसल मैंने बचपन में पंजे खाए थे, मुझे ना पंजे ना छोटे बच्चों के हाथ लगते हैं, ऐसे ना छोटे बच्चों के हाथों का ना फ्राई करके मसाला बनाया, इसलिए मैं ना पंजे नहीं खाते, मुझे छोटे छोटे बेबी के हाथ लगते हैं। पर कुछ लोग काफ़ी लोग बहुत शौक से खाते हैं, मैंने एक बार खाए भी थे पंजे। कुछ लोग मुर्गी के जो पंजे भी खा लेते हैं फ्राई करके, आप भी खाए? नहीं, वो हमने ऐसी चीज़ बहुत चलती है, मतलब प्याज तो डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, प्याज तो डार्क ब्राउन नहीं हम करेंगे, तो ये लसन ऐसे डाल देंगे। उधर से चावल हो गए थे ना, आलू लेके आओ, मैंने आलू काट लिए। चलो ठीक है, और अभी आपको और आलू चाहिए वो कट कर दिए, अभी और आलू चाहिए ना थोड़े से? ठीक है, मैं देख लो अभी साहब, मैं लोगों से ले आई हूँ आलू, आलू ले आई हूँ लोगों से, और ऑयल चाहिए, मैं आलू ले आई हूँ, मैं इसको अच्छे से वॉश कर देती हूँ, थोड़ी सी और आलू काटनी। अब मैंने टमाटर भी नहीं काटा, एक टमाटर, हरी मिर्च भी चाहिए आपको, हेल्प करवानी चाहिए, कोई भी खाना बनाए तो लाजमी हेल्प करवानी चाहिए, तो मैं तो भाभी की हेल्प लाजमी करवाती हूँ, क्योंकि किसी चीज़ की जरूरत है, मैंने इतना सारा काम कर लिया तो मैंने कहा मैं भाभी की हेल्प करवा, मुझे कुकिंग करने का बहुत शौक है, मैं कुकिंग कर भी रहती हूँ। वो जो मैंने अपनी मुझे गोभी बहुत पसंद है, आलू गोभी इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल पानी भी डाल दिया, नहीं पता वो देखना दरबार में से मैं खाती हाफ से बस सूखा धनिया मैं बहुत ही डालती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इसकी स्मेल, नमक मिर्च कम लगी थी भाभी, और मिर्च डालने की भाभी को मिर्च भी बहुत पसंद है, स्पाइसी खाने मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, स्पाइसी खा के तुम्हें भी स्पाइसी निकल, मेरे बहुत पसंद है स्पाइसी खाना, फिर मुझसे तुम्हें भी स्पाइसी स्पाइसी निकल, मेरे घर बैठी ही मिर्च खाई देती है मेरी अम्मी के घर,
कम ना ज़्यादा ऐसे ही टेस्ट होता है। ये देखिए माही का अंडा टूट गया मुझसे। हो अंडे का कुछ भी निकला माही। हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो कर दो माही को। भाभी अपना काम कर रही है तो मैंने सोचा मैं ना साइड से गोभी निकाल के थोड़ी सी खाऊं। भाभी अपना काम कर रही है तो मैंने सोचा मैं साइड से भाभी से छुप के ना थोड़ी सी गोभी निकाल दूँ। गोभी ना भाभी से छुप के खाने लगे। एक भाभी देख ना देगी टेंट तो कुछ भी नहीं। अच्छे से बनाई करेंगे तो टेस्ट अच्छा निकलेगा खाने का। कुछ लोग ऐसे बहुत जल्दी जल्दी में बना लेते हैं वो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं गोभी आलू सारा कुछ डाल के ना पानी में पकने के लिए रख देते हैं। उनको गोभी बहुत पसंद है वो हमारे लिए बंदे ना क्या है हम उनके लिए गोभी बना रहे हैं। हमारी नानो भी आई हुई थी हम आपको नानो को दिखाएंगे। पर नानो अच्छी लगी हम आपको नेक्स्ट वीडियो पे नानो से भी मिलवाएंगे। नानो बहुत अच्छी है हमारी हमसे बहुत प्यार करती है। क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो मुझसे आप आपने सोना है। हेलो कर दो मुझसे हेलो कर दो मुझे सफाई करनी है मुझे तो सफाई पसंद नहीं है किसी की। चलो मुझसे आज आपके साथ बैठ जाओ आप नो और गोभी ऐड करने लगी है। अच्छे से बनाई होगी इसको और निकलाएंगे मैंने तो कभी गोभी के पकौड़े नहीं खाए। अच्छा मैं तो फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ गोभी के पकौड़े। चलिए फिर आप मुझे बना के खिलाइए और मुझे रेसिपी भी बताइएगा फिर हम अपने ना व्यूअर्स को भी बताएंगे। ठीक होगा अगली मतलब जब गोभी आएगी ना फिर मैं आपको बताऊँगा। अच्छी गोभी का पकौड़े बनाते हैं साथ ना बर्तन भी उठाती हूँ और वॉश करती हूँ। साफ सफाई भी करनी चाहिए किचन में। ये नहीं कि बस खाना बनाओ तो घर डाल दो साथ ना सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। सफाई कर करके हम दोनों और सफाई करनी भी चाहिए। मुझे तो घर पसंद भी नहीं है बिल्कुल भी। हम दोनों सफाई में बहुत मन है। हम आपको अपनी रूटीन भी दिखाएंगे हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। मौसम बहुत ठंडा हो गया बहुत अच्छा हो गया। हम सब चाय भी पियेंगे। आप कॉफ़ी पीती हैं। कॉफ़ी हाँ मैं तो पीती हूँ ज़रूर कॉफ़ी में पीती हूँ। मुझे खुद कॉफ़ी बहुत पसंद है। अब बर्तन वॉश करेंगे मेरे साथ बहुत गोभी में हमने हाफ ग्लास पानी का डाल के ना ये देखिए इतना सा पानी डाल दिया इसको ना हमने दम पर रख दिया क्योंकि गोभी हमारी गल जाए और आलू भी। अब इसको हमने दम पर रोटी बनाने लगी है पेड़े कर रही है। पहले ना ऐसा करना चाहिए कि पहले पेड़े करके रखने चाहिए 5 मिनट के लिए छोड़ने चाहिए। मैंने कहा इसको मैं 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और तवा गर्म करेंगे ना। हम अपने पेन लेस में रखते हैं पर आज मैं ना भाभी जिससे बनाते हैं उसमें आज मैं पेन लेस बनाऊँगी। ओह निकल के आई है बनाने से पहले ही नहीं निकल गया। देखो इसने मेरा साथ छोड़ दिया वो चाहता नहीं मेरे हाथ में ना मैं इस पेन से बनाने की ट्राई करती हूँ पर मुझे इस पेन से बनती नहीं होगी पता नहीं आप कैसे बना लेती हैं। मैं अपने बेलना लेके आती जिससे बनाती हूँ। चले मैं अपने से ज़्यादा हमें आलू हो गया गोभी हो गया हम इसको हल्का हल्का मैं करेंगे गोभी का क्योंकि भुनी हुई गोभी अच्छी लगती है। कुछ लोगों को गोभी खड़ी हुई पसंद है मतलब थोड़ी थोड़ी खड़ी भी होगी तो थोड़ी थोड़ी भुनी मुझे खड़ी गोभी पसंद है थोड़ी थोड़ी गोभी होगी। देखिए आज हमारे गोभी बन गई और गोभी वाले पराठे हुए नहीं थे तो मेरी मियाँ जी को बहुत पसंद है गोभी वाले पराठे गोभी वाले पराठे मेरी मियाँ जी सबसे ज़्यादा। हम इसमें जाए सर्दी गोभी बनाएंगे ना मेरे डाल इसमें हम थोड़ा सा चाइनीज़ नमक डाल देंगे। शादी को भी खाइए अब इसमें हम थोड़ा सा गर्म मसाला डाल देंगे। जब आपको गोभी अच्छे से गल जाएगी पानी जाएगा देखा फिर आप डाल देंगे चाइनीज नमक डाल देंगे डाल देंगे। अब एक तरफ हांडी बन रही है हमारी हांडी ऑलमोस्ट पक चुकी है ना बस हमें सीख रही है पाँच एंड हम दम लगा देंगे और दूसरी तरफ ये मेरी रोटी बन रही है
ये देखो हमारी गोभी रेडी हो गई है, अब चेक करके दिखाऊंगा मैं। अभी मैंने वैसे खाने का टाइम नहीं है, मुझे पहले खाना है रोटी के साथ। गोभी मैंने बनाई, रोटी मेरी देवरानी ने बनाई है। चेक करके दिखाओ कैसी बनी है। यम्मी, बड़ी मजे की बनी है, बहुत अच्छा टेस्ट है, आप इसे ट्राई करिए। बहुत मजे की। का टाइम हो गया है और गोभी, अब हमारी इतनी सी गोभी रह गई है जो हमने दोपहर को बनाई थी, देख सकते हैं इतनी सी रह गई है। और अब हम रात के लिए सोच रहे हैं हम क्या प्लान करें, तो इसलिए मैंने फ्रीज़र में, मैंने और भाभी ने देखा दाल पड़ी हुई थी कल वाली, तो हमने सोचा हम इसके साथ चावल बॉईल कर लेते हैं। तो ना भाभी अब चावल डालने लगी हैं, कितने गिलास चावलों के? दो गिलास डालने, एक दो गिलास चावलों के डालेंगे, दो गिलास चावलों के डाल दिए। अब मैं चावल है जो इतने होकर रख देंगी, भिगो के रख देंगी, क्योंकि भिगो के आधे घंटे के लिए हम चावल छोड़ देंगे, इसलिए कि चावल अच्छे से फिर पक जाते हैं। अच्छे से वॉश करके चावलों को अच्छे से वॉश करके रख देंगे, क्योंकि हमारे जो है ना गोभी थोड़ी सी रह गई थी, इसीलिए हमने सोचा फिर हम दाल के साथ चावल बॉईल कर लें, इस तरह दाल भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि दाल पड़ी हुई है कल की, तो हम नहीं चाहते कि कोई चीज़ वेस्ट हो। अगर आपके घर भी ऐसी हो, दाल आपकी पड़ी हो, तो आप चावल साथ बॉईल कर लें, ताकि वेस्ट नहीं हो, खाने को वेस्ट ही करना चाहिए। अब हम दाल को तड़का लगाने लगे हैं, एक प्याज डाला है इसमें हमने, एक टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्ची डालेंगे। अब हम इसमें प्याज और हरी मिर्च और टमाटर डाल देंगे, क्योंकि इसका हमने तड़का लगाना है। दाल हमारी में नमक में से कम थी, चावलों के साथ खानी ना हमने, इसलिए उसमें कम लगेगी चावलों के साथ। ये थोड़ा सा प्याज मेल्ट हो जाएगा, ये बटन धो रही है अभी। ये चावल भिगो दिए हमने आधे घंटे के लिए भिगो दिए चावल। आप बता दो मैंने इसमें ये कुछ डाल दिया। मैंने इसमें नमक मिर्च और पानी डाल दिया है। हम समझे थे हमारा कैमरा ऑन है, वो बंद था, हमें लगा हमारा कैमरा ऑन है, पता नहीं चला वो कैमरा बंद था। इसीलिए वो स्किप हो गया। चलो पर कोई बात नहीं, आज ना पता ही है सबको मसाला बनाया। मेरी तबीयत ठीक ही नहीं लग रही, मेरे प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा पेन हो रही, सुबह मैंने बताया था ना, मैंने आपको कहा था किसी बच्चे से बनवा लेना था मेरे हाथ, मैं सो गई जा के, ज़्यादा से बनवा लें। अब हम इसमें दाल डालते हैं, दाल डालते जी भाजी, बहुत ज़्यादा ना हार्ड होंगे ये चावलों के साथ, सही नहीं लगने चावलों के साथ, नरम नरम वो भी डाल दो। ये हमने दाल में चिकन डाला था, ये बड़ी मज़े की दाल बनती है, पर हम इसके साथ चावल बॉयल करने लगे हैं। हमें दाल के साथ चावल ज़्यादा पसंद है, ये चने की दाल है, इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दो, प्रेशर लगा देते हैं। कितना पानी और डाल दो, थोड़ा सा और, एक गिलास डेढ़ गिलास डाल देते हैं इसमें, एक पहले डाल दिया आप गिलास पास में डाल बस। हाँ वो इसका प्रेशर बंद कर दो, ये हमने प्रेशर लगा दिया है, इसके ऊपर रख दो वो सीटी रख। अब हम इसको 5 मिनट लगाएंगे, क्योंकि हमारी दाल हुई है, हमने वैसे ही इसको देने के लिए रख रखा है।
अब हम चावल बॉईल करने लगे हैं। 2 ग्लास चावलों के थे और अब 4 ग्लास डालेंगे पानी के। 2, 3 और इधर हमारा प्रेशर लगा हुआ है। 4 अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे और ऑयल 1/2 चम्मच। हम इसमें नमक ही डालेंगे, अगर कम रह गया तो और डाल दीजिए, वो दाल में भी होगा। अब इसमें ऑयल भी डाल देंगे। पानी बॉयल हो गया, हम इसमें चावल ऐड करेंगे। सारे चावल डाल दो, ये चावल बहुत अच्छे बनते हैं, खीरे के लिए बनते हैं। हम याद है कि इंडस्ट्री भी कोई है। चावलों का नाम क्या था? सेला चावल? नहीं सेला नहीं था, पता नहीं मम्मा मुझे खुद नहीं पता। वो बोरी में पता नहीं क्या लिखा हुआ था, बताऊंगी। जो चावल ना उनको तो गर्म पानी में भिगो कर आधा घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो। मेरी भाभी ने प्याज भी काट लिए क्योंकि प्याज के बिना हमसे चावल नहीं खाए जाते। ये हमने ठंडे पानी में रखे प्याज रखे हैं ठंडे पानी में, क्योंकि कहा जाता है कि रात के टाइम ना सलाद नहीं खानी चाहिए। नहीं मैं भी खाती हूँ, मैं भी खाती हूँ। ये ठंडे पानी में भिगो के रखो ना प्याज, फिर इसका ना कड़वापन निकल जाता है प्याज का। ये देखिए सीटी हमारी चलनी शुरू हो गई है ऐसे 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 करके, और मुझे प्रेशर से बहुत डर लगता है। क्यों, एक दिन पाट गया? नहीं पाटा नहीं। बस प्रेशर से मुझे डर लगता है। ऐसे कहता कुछ नहीं, पर कुछ लोगों को नुकसान भी हो जाता है। बस एहतियात होती है, एहतियात करनी चाहिए, पानी ज़्यादा डालना नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती मेरी स्किन खराब हो जाए। एक दिन हमारे साथ ऐसे ही हुआ था, हमने पैसे रखा था इसमें ना, मटर का गोश्त रखा हुआ था लिखने के लिए। वो लिंक देखे मेरी कितनी प्यारी लग रही है। ये हम लोग और घूमने गए थे बादशाह मस्जिद, वहाँ से मेरे मियाँ जी ने मुझे लेके दी थी। मुझे ऐसी रिंग्स बहुत पसंद है। ये पैसे वाले ना सीटी जो है घूमने लग गए इसको, मुझे बहुत डर लगता है इसलिए मैं दूर हो गई हूँ। आज हमने ना कुकिंग करते करते बहुत फन किया, इसलिए हमारे मुंह से कुछ गलत लफ्ज़ निकल गए होंगे, काफ़ी ज़्यादा निकल गए गलत लफ्ज़। मेरे के मुँह तक इतनी छोटी सी पतीली के दादा को उनको गिफ्ट की थी इसके दादा को उसकी बर्थडे वाले दिन। इसमें मैं मूसा को दलिया बना कर देती हूँ, तो मैं आपको कुछ दिन मूसा का दलिया बना के उसकी रेसिपी दूँगी। ये थोड़ा सा पानी रह जाएगा ना, फिर हम तो मिल जाएगा। और ये देखिए प्रेशर की जो गैस है वो थोड़ी सी रह गई है। बस थोड़ा सा और पानी कुछ हो जाए। चावलों को दम लगाने का भी एक तरीका होता है, मेरे से एक बार हो गई थी, मुझे नहीं पता था चावलों में कितना पानी डालना है। कच्चे कच्चापन थोड़ा सा रह गया था, पर इतना भी नहीं रह गया था कि ना खाया जाए, थोड़ा सा कच्चापन रह गया था चावलों में। मैंने कम भिगोए थे चावल इसलिए, क्योंकि जो नया चावल होता ना उसको ज़्यादा देर भिगोना पड़ता, सॉरी पुराने चावल को ज़्यादा देर भिगोना पड़ता नए चावल को नहीं। आज लग रहा है हम दोनों की तबीयत ठीक। आज मेरे सर में बहुत दर्द हो गया था दरअसल, और कुछ नहीं सर घूम गया, मुझे लगता है हम पागल हो गए हैं, तो यहाँ हमें पागल खाने में नहीं जाना पड़े। मेरा सर वाकई आज दुख रहा सीरियसली, क्योंकि आज मैं सुबह की उठी हुई, सुबह 8 बजे की, मेरा बेटा जल्दी उठ गया था इसलिए हम दम लगा देंगे उसमें। हमने दम लगा दिया, थोड़ा सा पानी रख के ना फिर दम लगाइएगा, तो चावल बहुत अच्छे बनते हैं और कच्चे भी नहीं रहते हैं। हम तवे के ऊपर रखते हैं, हम अलग स्टाइल से बनाते हैं। प्रेशर में होने लगी बिस्मिल्लाह। और ये देखिए मगे मगे की हमारी दाल भी रेडी हो गई है।
चावलों के साथ इतने ही पानी वाली दाल अच्छी लगेगी। इसे और मेल्ट कर लेंगे, थोड़ी सी घुल जाए, खड़ी खड़ी है ना। ये देखें मेहमान दानी, इसमें भी अब ये देखें मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। मुझे इसके नाम का नहीं पता, इसका क्या नाम है, इसको क्या कहते हैं, तो पंजाबी में मदानी कहते हैं उसको, है ना, मदानी कहते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा इसको क्या कहते हैं। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, मुझे मिक्स करने का बड़ा मज़ा आता है। चिकन भी इसमें ना अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि दाल अच्छे से। ये देखिए हमारे चावल हो गए, कितने अच्छे चावल हैं। ये देखिए कितने प्यारे चावल लग रहे हैं, दाल चावल, दाल चावल। हमारी दाल रेडी हो गई है, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है दाल, कितने अच्छे से मिक्स हो गई है। इसके रेशे भी ऐसे ही चावल, चावल भी कितने अच्छे से खिले गए हैं। मसाले में हमने चार रखा है, ये मिर्ची मुझे बहुत पसंद है, हरी मिर्च मैं ज़रूर खाती हूँ चावलों के साथ, हरी मिर्च। चलें फिर अब हम आपको आज की वीडियो, आपकी जितनी भी हमने वीडियो बनाई है अपनी, सॉरी अपनी जितनी भी वीडियोस बनाई हैं आपको अच्छी लगी हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। हम आपको मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो पर, और हमसे बोलने में आज कोई मिस्टेक होगी हो, गलती होगी हो, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा क्योंकि हम अभी कन्फ्यूज हो जाती हैं, इसलिए अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।